हाय गाइस, वेलकम टू दीप इलेक्ट्रॉनिक्स लैब। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सीआरटी टीवी की जो सर्विस मेनू होता है उस सर्विस मेनू को किस प्रकार से खोला जाता है इसके ऊपर आपको पूरे डिटेल्स में बताऊंगा। क्योंकि अभी जो ये टीवी आपको देख रहे होंगे, इस टीवी के अंदर मैंने नया जो यूनिवर्सल किट होता है सीआरटी टीवी का, वो हमने इंस्टॉल किया हूँ। उसके बाद आप देख सकते हो ऊपर का जो हिस्सा है और नीचे का जो हिस्सा है हमें सही से पिक्चर नहीं आ रहा है। तो इसको सही करने के लिए हमें जाना होगा इस टीवी की सर्विस मेनू में। तो अगर आप जानना चाहते हो कि सर्विस मेनू किस प्रकार से खोला जाता है, किस चाहे आपके पास किसी भी कंपनी या किसी भी प्रकार के टीवी है, तभी आप मैं जो दो प्रोसेस बताने वाला हूँ इस प्रोसेस के जरिए आप जो है सर्विस मेनू ओपन कर पाओगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, उसके बाद चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। इसके लिए आपको ज़रूरत होगी रिमोट की। यहाँ पे देख सकते हो ये जो रिमोट है, ये हमें टीवी के साथ जो किट, मतलब इस टीवी के अंदर जो किट हमने इंस्टॉल किया हूँ उस किट के साथ ही मिला था। तो इस रिमोट के जरिए भी हमारा जो सर्विस मेनू जो है ओपन हो जाएंगे। उसके बाद हमारे पास एक देख सकते हो और एक रिमोट है जो कि यूनिवर्सल रिमोट बोला जाता है, इस रिमोट के जरिए भी आपको मिल जाएंगे। लेकिन ये जो रिमोट है सिर्फ टेक्नीशियन वालों के पास होता है। तो चलिए मैं दोनों की प्रोसेस के जरिए मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले ये जो यूनिवर्सल रिमोट है, इस रिमोट के जरिए आपको दिखाता हूँ कि किस प्रकार से हमारा जो टीवी का सर्विस मेनू है ओपन करना है। सबसे पहले मैं सेल डाल देता हूँ इस रिमोट के अंदर। उसके बाद आपको क्या करना होगा, आप सभी यूनिवर्सल जो रिमोट होता है उस यूनिवर्सल रिमोट के अंदर सर्विस मेनू ओपन करने के लिए एक हिडन देख सकते हो स्विच दिया रहता है। मतलब ये आपको अंदर की तरफ ये स्विच है, सबसे पहले क्या करना है इस प्रकार से आपने रखना है। उसके बाद आपको किसी भी चीज़ के जरिए इस बटन को प्रेस करना है। ये देख सकते हो फैक्ट्री मोड आ गया है, तो और एक बार आपको प्रेस करना है उसी पिन को। उसके बाद आप देख सकते हो हमारा फैक्ट्री जो हमारा जो सर्विस मेनू है ओपन हो चुका है। तो ये तो हमारा यूनिवर्सल जो रिमोट है उसके ज़रिए। लेकिन अगर आपको इस किट के साथ जो रिमोट मिला है इसके साथ आपको अगर सर्विस मेनू ओपन करना है तब आपको कैसे करना है मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले तो मैं इस टीवी के अंदर इस रिमोट के अंदर सेल डाल देता हूँ। तो इसके लिए आपको दो चीज़ करना होगा और मैं इस टीवी को बंद करके फिर से चालू करता हूँ। तो इसके लिए आपको जो टीवी का स्विच है ये भी आपको प्रेस करना होगा। टीवी के अंदर जो माइनस वाला स्विच है उसको आपको प्रेस करके रखना है। देख सकते हो मैंने प्रेस करके रखा हूँ। उसके बाद इस रिमोट के अंदर जो डिस्प्ले का जो बटन है उसको आपको प्रेस करना होगा, ये देख सकते हो, और एक बार, मतलब दो बार। ये देख सकते हो हमारा सर्विस मैन ओपन हो चुका है। तो इस प्रकार से आप किसी भी सीआरटी टीवी का जो सर्विस मेनू है वो आप ओपन कर सकते हो। और उसके बाद आपने जो हमारा इसका जो साइज़ था इसको ठीक करने के लिए हमें क्या करना होगा, ये देख सकते हो ऑन है, ऑन प्रेस करूँगा हम। उसके बाद देख सकते हो वी साइज़ यानी कि वाटी का जो साइज़ है उसको हमें बढ़ाना है। तो मैं नीचे की तरफ लेके जाऊँगा और इसका जो साइज़ है यहाँ पर देख सकते हो 12 है, इसको हम बढ़ा करके हम सही सलामत जितने भी हमें ज़रूरत होगी उतना हम कर देंगे। तो आप के हिसाब से आप कर सकते हो कि आपको जितने ज़रूरत होगी, अगर कम ज़रूरत होगी तो आप कम कर दोगे और ज़्यादा ज़रूरत होगी तो आप ज़्यादा कर दोगे। तो इस तरह से आप अपने टीवी का सर्विस मेनू कोड खोल के आप सारे चीज़ कर सकते हो। इसके अलावा और भी बहुत सारे चीज़ें, बहुत सारे चीज़ आप कर सकते हो इस सर्विस मेनू में, मेनू के अंदर जाके। तो देख सकते हो अभी जो हमारा डिस्प्ले के अंदर जो भी पिक्चर है पूरा डिस्प्ले के अंदर दिखाई दे रहा है। सर्विस मेनू को लेकर अगर आपके मन में कुछ भी सवाल है तो आप नीचे कमेंट करके हमें बता सकते हो, इसका जो रिप्ले है बहुत ही जल्द आपको दिया जाएगा। और अगर आप किसी भी टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हो तो तब भी आप नीचे कमेंट करके हमें बता सकते हो। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करके अपने सारे जगहों पर शेयर कीजिए, सारे जगहों पर फैला दीजिए ताकि बाकी जो लोग हैं उनको भी पता चले इन प्रोसेस के बारे में, इन तरीके के बारे में। तो हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।